नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष सेना चैनल में। जैसे कि आपके लिए आज बहुत ही खास टॉपिक होने जा रहा है, जो आपकी क्लास है, ये हम आपकी क्लास लेके आए हैं, जो आपके पास एसएससी कांस्टेबल एंड एसआई के जो आपके पास क्रैश कोर्स चल रहा है, किसका चल रहा है आपके पास, भौतिक विज्ञान का चल रहा है, वो आपके पास उसकी क्लास लेके आए हैं आपके पास। 5 नंबर तीन क्लास आपके पास हो चुकी है, 4th क्लास आपके पास होने जा रही है। अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मिरर एंड लेंस का टॉपिक आपके पास। ये टॉपिक आपके पास होने जा रहा है, इसके जो आपके पास बिल्कुल बारीकी से इसके तहत तक बताया जाएगा भाई, इसके बारे में क्या होता है, सभी के बारे में। लेंस जो जिसे आप क्या बोलते हैं, जो हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, उसको वो आपके पास घबराए नहीं, क्योंकि उसके लिए भी हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। अब बात करते हैं आपके पास मिरर से रिलेटेड आती है बात, तो मिरर को क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और बात कर लेते हैं आपके पास मिरर कितने प्रकार के होते हैं, बात आती है आपके पास मिरर क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं आपके, दर्पण, वैसे आपके पास शिष्य बोल देते हैं इसको। अब बात आती है ये आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, मेनली आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके पास सिंपल मिरर, सिंपल मिरर हो गया। सेकेंड आपके पास कॉनकेव मिरर, थर्ड आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब बात कर लेते हैं आपके पास सिंपल मिरर कैसा होता है, जो हम घर में जैसे आपके पास नहाते हैं, फिर आप क्या करते हैं अपने कंघी कुंघी करने के लिए अपने बाड़ों में लेते हैं, वो आपके पास कौन सा मिरर होता है, वो आपके पास ऐसा मिरर होता है। आपके पास कैसा मिरर होता है, वो आपके पास ऐसा मिरर होता है, ये आपके पास कैसा मिरर है, सिंपल मिरर। अब बात कर लेते हैं आपके पास कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है और कन्वेक्स के अंदर क्या होता है, पहले इस टॉपिक को पूरा करते हैं। सिंपल मिरर के अंदर आपके पास प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्वेश्चन आपके पास ये आता है, सिंपल मिरर के अंदर प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, वो आपके पास कैसी बनती है बच्चों, वर्चुअल। वर्चुअल साथ हमेशा क्वेश्चन आएगा किसका, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी आपके पास। और सिंपल मिरर के अंदर जितनी इमेज, जैसे आपके पास यहाँ पे आप हो, आपकी हाइट मान लेते हैं कितनी है, 6 फुट की है, तो 6 फुट की आपकी हाइट है, आप मिरर के अंदर देख रहे हो, किस मिरर के अंदर देख रहे हो, सिंपल मिरर के अंदर देख रहे हो, तो आपकी हाइट कितनी दिख रही सिंपल मिरर के अंदर है, वो भी आपके पास 6 फिट की दिख रही, क्योंकि आपके पास क्या है, साधारण दर्पण है। अब बात कर लेते हैं आपके पास कनकेव और कन्वेक्स की, बात कर लेते हैं कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स को क्या बोलते हैं। आपके पास नाम इसका बड़ा है थोड़ा, इसका नाम थोड़ा छोटा है, तो आपके पास नाम बड़ा तो काम बड़ा, नाम बड़ा तो बच्चों काम बड़ा। कनकेव जो आपके पास उत्तल और अवतल शब्द आता है, जिसे आपके पास कनकेव मतलब आपके पास अवतल, क्या कहा था मैंने, नाम बड़ा तो काम बड़ा, नाम बड़ा है तो इसका नाम बड़ा आएगा। कन्वेक्स आपके पास उत्तल, नाम छोटा है इसका, देखो यहां से नाम छोटा है जैसे नाम बड़ा है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात करते हैं ये आपके पास क्या क्या होते हैं, इनके यूज और इनके डायग्राम वगैरह कैसे होते हैं, उसके बारे में करते हैं बात, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपके पास हर टॉपिक के बारे में बिल्कुल डीपली बताया जाएगा। आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, कैसे क्या होता है। अब बात कर लेते हैं आपके पास कनकेव मिरर, सेकंड आपके पास बात आती है कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या इसके यूज है। जैसे आप क्या ले लेते हैं घर पे, आप चम्मच ले लेते हैं, चम्मच को आप क्या कर दें, एक बार ऐसे कर दें और एक बार उसको उल्टा कर दें, आपने सीधा किया उल्टा किया, आपके पास दोनों मिरर हो गए, दोनों मिरर आपके पास बन गए, तो आपके पास बात आती है कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर का डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम ऐसे होता है,
और बच्चों इसका डायग्राम आपके पास इस प्रकार होता है। ये ध्यान हो गया। अब बात कर देते हैं इसके एप्लीकेशन की, मतलब इसके यूजेज की, कहाँ का यूज होता है इसका। बात कर लेते हैं कनकेव मिरर की, जो आपके पास कनकेव मिरर, जो हमारे साथ हिंदी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं आपके पास, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, पहली बात आती है आपके पास किसमें, मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है, जैसे ऑटोमोबाइल की हेडलाइट लगा लो आप, मोटरसाइकिल की होगी, गाड़ियों की होगी, सारी जो हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट होती है, उसके अंदर किसका प्रयोग होता है आपके पास, कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है। सेकेंड आपके पास बात लगा लेते हैं किसके, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं आपके पास, डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं आपके पास, यहाँ पे एक टॉर्च बंदी होती है उनके, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके टॉर्च होती है, तो टॉर्च के अंदर आपके पास कौन मिरर लगा होता है, आपके पास कनकेव मिरर लगा होता है। और बात कर लेते हैं आपके पास सेविंग करते हो आप, उस टाइम आप देखते हो उस सेविंग मिरर के अंदर कौन सा होता है, बार्बर शॉप के आपके पास सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं आपके पास, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आपके पास किसके थे, कनकेव मिरर के थे। अब बात आती है कनकेव मिरर के यूज आपके पास हेडलाइट के अंदर हो गया, आपके भाई ईएनटी स्पेशलिस्ट के अंदर हो गया, सेविंग मिरर के अंदर हो गया। कन्वेक्स की बात आती है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। उत्तल में जैसे आपके पास मेनली किसकी बात आती है आपके पास, से बात कर लेते हैं इसके प्रयोग के अंदर, जैसे आपके पास गाड़ियों के जो कान होते हैं, आप सिंपल भाषा में बोल देते हैं गांव में क्या बोल देते हैं, गाड़ी को जो कान होते हैं, कान, तो आपके पास रेयर वे और साइड वे दो प्रकार के मिरर होते हैं, वो आपके पास क्या होता है, रेयर वेव और साइड वेव, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। साइड वेव आपके पास, साइड मतलब गाड़ी के जो कान है ना, जो आप गाड़ी के जो मिरर लगे होता है आपके पास, वो होता है साइड वेव। रेयर जैसे आपके पास ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर के जो अंदर गाड़ी होती है, गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ है वहां पे आपके पास ऐसा मिरर लगा होता है, उसे बोलते हैं रेयर मिरर। और साइड वेव जो आपके पास साइड में लगे होते हैं उनको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पास इनके अंदर आपके पास कौन सा आपके पास मिरर का प्रयोग होता है, वो आपके पास किसका प्रयोग होता है आपके पास, जो आपके पास गाड़ियों के जो साइड में लगे होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप चला रहे हो बाइक चला रहे हो, पीछे आपके पास हैवी ट्रक आ रहा है, यदि आपका उस जगह क्या कर दें, यदि आपको उस जगह सिंपल मिरर लगा दे, जितनी आपके पास हाइट है ट्रक की उतनी हाइट उसमें दिखेगी, तो उसके लिए आपके पास यदि मिरर लगाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके पास किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे आगे, जो आपके पास कन्वेक्स मिरर के, जैसे आपके पास मिरर के ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों, उसके बारे में बताएंगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, बात कर लेते हैं मिरर के ऊपर क्या लिखा होता है, सभी देखते हैं पर आपके पास लगभग आपके पास 80% लोगों को ये नहीं पता होता मिरर के ऊपर क्या लिखा होता है। तो बात कर लेते हैं मिरर के ऊपर क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर, इसके ऊपर क्या लिखा होता है और इसका क्या मतलब होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे आपके पास कोई वस्तु है, कोई चीज है आपके पास, इन द मिरर, वो उस मिरर के अंदर क्या दिखेगी आपके पास, आर क्लोजर, क्लोजर मतलब आपके पास नजदीक दिखेगी और आपको दिखाई दे जाएगा, जैसे आप चला रहे हो बाइक, चला रहे हो बाइक के जो आपके पास शीशे लगा रखे हैं अपने साइडों में, तो शीशे के ऊपर आपके पास बाकायदा ये वर्ड लिखा होता है, इसका इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपने देखना है भाई पीछे से कौन सा साधन आ रहा है, तो आपके पास इसमें आपको पूरा साधन है वो है आपके पास, इसके अंदर दिख जाता है और कितने डिस्टेंस पे है, बिल्कुल क्लियर दिख जाता है, इसलिए आपके पास इनको मिरर आपके पास कौन सा होता है, ये साइडों वाला बाइक में जो लगाते हैं, बाइक क्या हो गया आपके पास, गाड़ियों का हो गया, इसमें आपके पास कौन सा लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसके रे डायग्राम की, जो आपके पास पेपर में काफी बार पूछे गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।
अब बात कर लेते हैं आपके पास इसके रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम की बात आती है, तो रे डायग्राम आपका बताते हैं भाई, रे डायग्राम कैसे क्या होते हैं। तो रे डायग्राम की आपके पास कनकेव मिरर की बात आती है, तो कनकेव मिरर के रे डायग्राम की बात आती है। तो आपके पास कनकेव का मतलब क्या होता है बच्चों? अवतल, अवतल दर्पण की बारे में बात आती है। इसकी हम ट्रिक के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास बुक में बुक के अंदर डायग्राम आपके पास पेपर के अंदर नहीं आते, आपके पास खोलने क्या होता है उसका प्रतिबिंब आपके पास पूछा जाता है, तो उसकी ट्रिक लेते हैं हम आपके पास, क्योंकि हम करवा रहे हैं यहाँ पे आपके को क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पास कनकेव मिरर कैसा होता है। ये आपने क्या में क्या ड्रा कर लिया, कनकेव मिरर ड्रा कर लिया, बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों? पोल कहते हैं। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लिया। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पे क्या होता है बच्चों? फोकस होता है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बात कर लेते हैं आपके पास। इन्फिनिटी को लाइन मान लिया आपने। अब बात कर लेते हैं इसके मिडल, मिडल वाले ले लिए हमने, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो आप, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें कितने केस होते हैं आपके पास? 6 केस होते हैं। सबसे तो पहले बात करते हैं आप असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप यहाँ तक देखते हो एक केस आपके आता है, उसकी इमेज आपके पास कैसी बनती है बच्चों? उसकी इमेज आपके पास वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा क्या आएगा? इन्वर्टेड आएगा। वर्चुअल इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल के साथ हमेशा मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। वर्चुअल का मतलब होता है बच्चों आभासी, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, रियल और आपके पास क्या मिलेगा? इनवर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। और आपके पास इनवर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा, उल्टा, उल्टा वास्तविक। ये पेयर आपके पास ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं आपके पास, बात आ जाए आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर, आपके पास कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इन्फिनिटी जब आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और आपके पास कैसा बनेगा? ये आपके पास असेंडिंग में लिखा आपने, अब बात कर दो आप डिसेंडिंग में लिखा पीछे से। 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया बच्चों, ये आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? 5 हो गया। बात कर लेते हैं आपके पास पहला पॉइंट क्या बोलता है। एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा गया आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर, उसकी इमेज आपके पास कैसी बनेगी उसकी, तो उसका प्रतिबिंब आपके पास कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बात कर लेते हैं आपके पास इसके ऊपर, आपके पास बात आई है किस पे बनेगा? एफ पॉइंट पे, क्या आपके पास 1 है। ठीक, आपके पास असेंडिंग फिर आप डिसेंडिंग, ये किस पे बनेगा आपके पास? एफ पे बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। सेकेंड आपके पास बात कर लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के ऊपर, तो इन्फिनिटी एंड सी की बात की आपके पास, सी एंड बिटवीन किसके बीच में बना आपके पास? सी एंड एफ के बीच में बना। थर्ड आप बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है बच्चों? यदि आपके पास किसके ऊपर है? एट सी के ऊपर है, तो आपके पास सी के ऊपर ही बनेगा, और जितना साइज का है ना उतना साइज का बनेगा। अब बात कर लेते हैं आपके पास बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बारे में बात आती है। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसकी इमेज काफी बनेगी आपके पास इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगी, जैसे आपके पास फोर्थ नंबर पॉइंट मैंने बाकायदा आपको लिख रखा है। उसके बाद आपके पास एफ का जो पॉइंट आता है, एफ के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उसकी इमेज आपके पास कहाँ बनेगी? उसकी इमेज हमेशा बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। अब एक केस आता है जो आपके पास एक्सेप्शनल होता है, वो आपके पास सिक्स वाले केस की जो इमेज आती है वो आपके पास इसके बैक साइड बनती है, और बैक साइड बनने के बाद में आपके पास सिक्स वाला पेज यहाँ होता है। बैक साइड बनने के कारण आपके पास एक केस इसका कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? आवासीय होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसके अलावा आपके पास कौन सा मिरर आएगा आगे? आपके पास कन्वेक्स मिरर आएगा। ये आपके पास ट्रिक थी, किसकी थी? कन्केव मिरर की थी। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। रे डायग्राम अब बनाना है आपने, किसका बनाना है बच्चों? कन्वेक्स मिरर का बनाना है। अभी तक जो हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े। अब बात कर लेते हैं आपके पास कन्वेक्स मिरर, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं आपके पास। इसके अंदर आपके पास ओनली 2 केस आते हैं,
ओनली कितने केस आते हैं आपके पास? दो केस आते हैं। ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ रखा गया आपके पास, और आपके पास इमेज कहाँ बन रही आपके पास, ये आपने बताना है बस। पेपर के अंदर इससे बाहर नहीं आता आपके पास, ऐसे नहीं करता। पेपर के अंदर आपने डायग्राम ड्रा करना है, पेपर के अंदर आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, उसको आपने करना है। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसमें पहला केस क्या पूछ जाता है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ है बच्चों? इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास उसकी इमेज कहाँ बनेगी आपके पास? किस पे बनेगी भैया? फोकस पे बनेगी। अब बात कर लेते हैं आपके पास सेकंड पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? जैसे पोल होता है आपका, मिड मिड पॉइंट होता है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसकी इमेज आपके पास कहाँ बनती है? तो उसकी इमेज आपके पास देखो यहाँ से इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट मतलब एफ के बीच में तो बनेगी आपके पास, एफ के बीच में आएगी, और आपके पास किसके बीच में आएगी? वो आपके पास एफ के बीच में आ गई, और आपके पास किसके बीच में आ गई? आपके पास एफ बिटवीन ए और पी, ये आप ध्यान रखना दोनों पॉइंट। अब बात कर लेते हैं आपके पास मिरर वाला कॉन्सेप्ट आपके पास पूरा हो गया। अब बात कर लेते हैं लेंस वाला पोर्शन, तो लेंस वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो लेंस वाले क्वेश्चन के बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हम। लेंस आपके पास क्या होता है, और आपके पास इसके अंदर भी आपके पास उत्तल और अवतल का प्रयोग होता है। लेंस जो आपके पास जोड़ा होता है, ये आपके पास क्या होता है? जैसे आपने अभी तक होलो किया, होलो जैसे कोई सफियर बनाया आपने, सफियर को आपने क्या कर दिया? होलो कर दिया। देखो ये वाला क्वेश्चन आपने ये कर दिया था, तो ये क्या हो गया था बच्चों? होलो हो गया था। और इससे हमने क्या ट्राई किया था आपके पास? दो मिरर ड्रा करिए थे आपने के पास, ये होलो थे। अब बात आती है आपके पास लेंस के केस की, तो लेंस के केस में क्या होता है ये देखें, लेंस के केस में आपस में होलो नहीं होंगे, ये आपस में मिले हुए होंगे। अब बात कर लेते हैं लेंस आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मेनली आपके पास दो प्रकार के होते हैं, कनकेव लेंस, और बात आती है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। बात कर लेते हैं आपके पास रे डायग्राम, पेपर के अंदर काफी बार पूछे गए हैं, तब हम रे डायग्राम के पूरा पूरा इसके अंदर समझते हैं। बात कर लेते हैं आपके पास कनकेव मिरर के अंदर कितने रे डायग्राम बनते हैं बच्चों? आपके पास ओनली दो डायग्राम बनते हैं, तो आपके पास इसके अंदर जैसे उल्टा होगा बिल्कुल, इसके आपके पास दो डायग्राम बनते हैं, इसके आपके पास कितने डायग्राम बनते हैं आपके पास बच्चों? इसके सिक्स बनते हैं। कनकेव मिरर के अंदर बच्चों कितने डायग्राम बनते हैं आपके पास? कनकेव लेंस के अंदर दो बनते हैं, और इसके अंदर कितने बनते हैं बच्चों? सिक्स बनते हैं। बात कर लेते हैं यदि आपके पास ऑब्जेक्ट इसके अंदर कहाँ कहाँ हो तो आपके पास कैसा होगा, तो आपके पास बात कर लेते हैं आपके पास बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई जाएगी। पहले बात करते हैं आपके पास दो, आपके पास एक साइड लिख लो आप ऑब्जेक्ट, और एक साइड क्या कर लो आपके पास इमेज। इमेज आपके पास कहाँ बनेगी? दो केस बनेंगे आपके पास इसके अंदर। पहले केस की बात कर लेते हैं आपके पास एट इन्फिनिटी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो किस पे हो? इन्फिनिटी के ऊपर हो, तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी? आपके पास इमेज कहाँ बनेगी? आपके पास एट फोकस, किस पे बनेगी बच्चों? फोकस पे बनेगी आपके पास। अब बात कर लेते हैं आपके पास, अब आपके पास इन्फिनिटी एंड ओ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जहां पे आपके पास पीछे वाले केस में क्या आया था, मेरे केस में जिस पॉइंट पे आपके पास पोल आया था, इसकी जगह आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्टिकल सेंटर आएगा, जिसको हम नोटेशन देंगे ओ से। क्या देंगे बच्चों? ओ से देंगे। इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा वो आपके पास कैसी होगी? बिटवीन किसके बीच में बनेगी? एफ एंड बिटवीन ओ के बीच में आपके पास क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं आपके पास बिना देरी से कन्वेक्स केस में, कन्वेक्स केस में रे डायग्राम आपके पास कितने होते हैं बच्चों? कन्वेक्स केस में रे डायग्राम आपके पास छह होते हैं, और छह कैसे होते हैं हम आगे अभी जानेंगे आपके पास। अब बात कर लेते हैं आपके पास इसके छह डायग्राम कौन से होते हैं, वो हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के। उत्तल आपके पास, सॉरी आपके पास उत्तल दर्पण नहीं, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बच्चों? लेंस की बात आई है, तो आपके पास सॉरी यहाँ पे लेंस आएगा, उसमें आपके पास दर्पण था, यहाँ पे आपके पास लेंस है, तो लेंस आए। अब बात कर लेते हैं आपके पास छह, आपके पास कौन से बन गए? सेम उसी प्रकार क्या कर लो, आपके पास ऑब्जेक्ट लिख लो, और आपके पास क्या कर लें यहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, इमेज होगी। अब आपने 6 केस करने हैं, 6 केस आपके पास कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं आपके पास। पहली बात आती है यदि आपके पास ऑब्जेक्ट किस पे हो बच्चों, इन्फिनिटी के ऊपर हो, उसकी आपके पास इमेज कैसे बनती है। जैसे आपने पीछे वाले केस में देखी किस कितने किस पे बनेगी आपके पास इमेज, हमेशा एफ पॉइंट पे बनेगी। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपके पास दो फोकी होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इलिप्स के अंदर देखते हैं, इलिप्स के अंदर फोकी होते हैं आपके पास, उसी प्रकार इसके अंदर एफ और टू एफ की बात आती है। आपके पास यदि ऑब्जेक्ट किसके बिहाइंड हो, बिहाइंड टू एफ के हो, तो उसकी इमेज आपके पास कहाँ बनेगी, उसकी जो इमेज आपके पास लेंस केस में कहाँ बनती है, उसकी इमेज हमेशा बिटवीन एफ एंड टू एफ के बीच में बनती है। अब बात कर लेते हैं आपके पास एट, यदि आपके पास ये है बिहाइंड, अब बात आ जाए यदि 2f के ऊपर ही बने तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। यदि 2f की बात आ गई तो आपके पास 2f का हमेशा किस पे बनेगा, 2f का हमेशा 2f के ऊपर ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, यदि आपके पास f और 2f के बीच में आए, f एंड 2f के बिटवीन हो, तो उसकी इमेज आपके पास कहाँ बनेगी उस लेंस की, तो आपके पास क्या कहाँ बनेगी बच्चों, बियॉइंड टू एफ के बियॉइंड बनेगी। अब बात कर लेते हैं यदि आपके पास एट एफ, क्योंकि इसमें एफ और टू एफ क्या आया है, दो फोकी आई है, ध्यान रखना। एट एफ के केस की बात कर लें, यदि आपके पास ऑब्जेक्ट एफ पे हो तो उसकी आपके पास इमेज कहाँ बनेगी, तो उसकी इमेज हमेशा ध्यान रखना आपके इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। देखो भैया यहाँ पे इन्फिनिटी तो आपके पास उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं यदि आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में हो तो उसकी बात क्या आएगी, एफ बिटवीन ए ऑप्टिकल ए सेंटर, तो उसकी इमेज आपके पास कहाँ बनेगी, उसकी इमेज आपके पास इसमें एक इमेज कहाँ आती है, वर्चुअल आती है, तो आपके पास क्या होगी ऑब्जेक्ट के सेम साइड में। जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास इस साइड है तो ऑब्जेक्ट किस साइड बनेगी, तो आपके पास क्या होगी वो साइड, आपके पास कौन साइड होगी, आपके पास ऑब्जेक्ट की सेम साइड, ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी सेम साइड होगी। और वो आपके पास कैसी होगी, वो आपके पास होगी वर्चुअल होगी। कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल क्या बोलते हैं, जो हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़े हुए हैं और इसको क्या बोलते हैं आपके पास, आभासी बोलते हैं। क्या होता है बच्चों ये आभासी, ये आपके पास थे पूरे के पूरे रे डायग्राम जो आपने देखे मिरर और लेंस के अंदर। इससे बाहर आपके पास एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ओनली आपके पास ओनली मिरर निकालने, मिरर के अंदर आपके पास ओनली इमेज निकालने वाला फॉर्मूला बच गया है, वो हम अभी करते हैं आपके पास। इससे बाहर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपके पास एन इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, ये होता है मिरर निकालने का फॉर्मूला। बट आपके पास विषम संख्याएं और सम संख्याएं दो प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं दो क्वेश्चन में दो होते हैं, एक में अलग मान लो एक में दो का पेयर मान लो, किसके अंदर विषम संख्या के अंदर क्या होता है, सम संख्या के अंदर क्या होता है, और सिमेट्री के केस में क्या होता है, और एसिमेट्री के केस में क्या होता है। ये आपके पास होते हैं जहां आपके पास क्या हो सम संख्या, ये जब लगेगा जब आपके पास क्या हो विषम संख्या, विषम संख्या केस में जब आपके पास ये लगेगा जब आपके पास सिमेट्रिकली है, ये आपके पास जब है जब आपके पास एसिमेट्रिकली है, जब आपने ये फॉर्मूले लगाने हैं। ये फॉर्मूले लगाने की वजह से आपके पास क्या आ जाएंगे, जैसे ये फॉर्मूले लगाओगे क्वेश्चन में आपके पास ये पूछ रखा है भाई आपके पास दो साइड में क्या है मिरर है, एंगल आपको दे रखा है, तो उसके क्या निकल जाएगा आपके पास प्रतिबिंब निकल जाएगा। आपके पास प्रतिबिंब निकालने का ये फॉर्मूला था, तो आपके पास सारा का सारा टॉपिक आपके पास मिरर और लेंस का सारा टॉपिक हो गया है। जो हम क्रैश कोर्स लेके चले थे वो हम सारा का सारा बता दिया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और नीचे जो घंटे वाला बटन दिख रहा है उसको भी दबाएं। धन्यवाद।